तो चलिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आप BA फर्स्ट ईयर डिस्टेंस का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अदरवाइज BA BCom यानी कि anyone कोई भी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिंपली यही पूरे तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है और सर्च बार में टाइप करना है यहाँ पर MDU.ac.in। तो यहाँ पर सर्च कर देना है आपको। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर आने के बाद देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आप चाहें तो अगर आपके निकालना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू अपडेट मिलता है, जहाँ पर यानी कि आपके जो न्यू अपडेट के अंदर, यानी कि अगर आप गए अभी आपके एडमिट कार्ड निकले हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी नहीं मिलते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर, मैं सबसे पहले डेस्कटॉप साइट में अपना फ़ोन ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ करना क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद, जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे, आने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक कर दोगे, तो सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको उसके ऊपर कर देना है क्लिक। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो एग्ज़ामिनेशन वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो सिंपली उसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन वाले ऑप्शन पर कर देते हो क्लिक, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, एडमिट कार्ड या डेट शीट। एडमिट कार्ड चेक करना है हमें। तो सिंपली वेबसाइट ओपन होने के बाद नीचे आना स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर हमें जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है किसी का भी, तो सिंपली उसी पर कर देना है क्लिक, और आप एडमिट कार्ड बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। तो आपको जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो तो सिंपली आपको कर देना उसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वेबसाइट पे, इस तरीके की वेबसाइट पे आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट नंबर होगा, वो आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, यानी कि सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर दोगे, सर्च करने के बाद आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जानकारी आपको देता रहूं। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।